कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये हमारी हेडिंग है आज की, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए वेक्टर है और दिस इज अनदर वेक्टर बी वेक्टर, थोड़े इसको और बड़ा कर लेता हूं बी वेक्टर को। ये आपका बी वेक्टर है और मुझे यहाँ पे कंपोनेंट फाइंड करना है ए वेक्टर का अलॉन्ग बी वेक्टर का। तो इसको आप सिंपल शब्दों में कहिए तो आपको ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलॉन्ग करना है। तो अभी तक हम कंपोनेंट क्या किया करते थे, हम कंपोनेंट अलॉन्ग एक्सेस फाइंड किया करते थे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस। लेकिन यहां पर मुझे कंपोनेंट किसी एक्सेस के अलॉन्ग फाइंड करने की बजाय किसी वेक्टर के अलॉन्ग फाइंड करना है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, अगर मुझे एंगल पता हो इनके बीच का, मान लीजिए एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, तो आप सभी कह सकते हैं कि भाई जो कंपोनेंट आएगा ए वेक्टर का, जो कंपोनेंट बी वेक्टर के अलॉन्ग होगा, आप सभी का आंसर आएगा सर ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। यहां पे हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर जो हमारा आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर, ये कितना हो गया हमारे पास ए कॉस थीटा। तो अभी तो हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट लगाया नहीं, ये हमें पहले से पता है, पहले से आता है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखिए, इसको एक सही मैनर में प्रेजेंट करने के लिए मैंने ऊपर नीचे इसको बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये काम मैं एडिशन में कर रहा हूं ताकि मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाए, ताकि वो मुझे याद करने में आसानी रहे। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है ए बी कॉस थीटा, और आप सभी को पता है ए बी कॉस थीटा जो होता है इट इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए बी कॉस थीटा को मैंने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी। ये आपके पास एक बेहद स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ चुका है, बेहद स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसे आपको याद भी रखना है। क्या रिजल्ट हमारे पास आ गया कि जो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला सर वो सब याद रखें। डेरिवेशन एक और बार बता दोगे सर? देखिए बेटा कंपोनेंट हमें करना है ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है? तो ये हमारे पास ए वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर है, और हमें इनके बीच का एंगल दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन के साथ आपको एंगल दिया जाता है उस डायरेक्शन में कॉस वाला कंपोनेंट आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होगा ए वेक्टर का, जो कंपोनेंट होगा बी के अलॉन्ग, दैट विल बी ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा हमने निकाल लिया, ये हमें पहले से पता है, अभी कोई नया नॉलेज हमने यूज नहीं किया है। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर क्या हो गया? ए कॉस थीटा। लेकिन ऐसा लिखने के बाद मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया? बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बी से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया ताकि हमारे पास एक सही स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट आ जाए। तो जब मैंने बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो जो ऊपर का रिजल्ट है वो बन गया आपके पास ए बी कॉस थीटा। और ए बी कॉस थीटा आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ही होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया? सिंपली ए डॉट बी, और डिवाइड बाई क्या हमारे पास है? बी। तो इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है? पहले उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है जिसके अलॉन्ग कंपोनेंट किया जा रहा है। तो बी के अलॉन्ग कंपोनेंट फाइंड करना है तो मैं बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। वहीं अगर मुझे फाइंड करना होता, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर, तो हो इसका आंसर क्या होगा? ए डॉट बी तो मुझे करना ही पड़ता, और डिवाइड गया। जिसके अलॉन्ग फाइंड करना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो क्या आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए? यस सर। ओके। तो अभी हमने क्या किया है देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आउटपुट निकल गया था वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये भी ऊपर स्केलर क्वांटिटी होगी, नीचे तो मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे अभी कहीं भी वेक्टर नोटेशन यूज नहीं हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो ये आपने जो कंपोनेंट फाइंड किया है ए वेक्टर का अलॉन्ग बी वेक्टर, ये जो आपने कंपोनेंट निकाला है, दिस कंपोनेंट,
आपको इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो एक बात तो मैं कह सकता हूं कि कंपोनेंट आपने v b वेक्टर के अलोंग किया है। अब अगर मुझे इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में देना है तो मुझे यहां पे यूनिट वेक्टर की जरूरत लगेगी, क्योंकि जब भी हम डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए मुझे हमेशा एक यूनिट वेक्टर की हेल्प लेनी होती है। तो अगर मुझे इस कंपोनेंट का, जो कि आपने a वेक्टर का कंपोनेंट किया है b वेक्टर के अलोंग, अगर मुझे इसका डायरेक्शन भी बताना है तो मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, और b वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम क्या ले लेंगे, b कैप। तो अगर आपको आंसर यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर फॉर्म में देना है तो आप इन्हीं आंसर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां पे अगर आपको b वेक्टर के अलोंग आंसर वेक्टर फॉर्म में देना है तो यहां पे आप कर देंगे इनटू इनटू b कैप कर देंगे आप। इसी तरह से अगर यहां पे a वेक्टर के अलोंग निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे, a कैप। तो आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में किस तरीके से वो आंसर कैलकुलेट करना चाहते हैं, केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में। ये केवल कंपोनेंट है, इतना केवल कंपोनेंट है, दिस इज द कंपोनेंट पार्ट। तो अगर आपको केवल कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाइए, और अगर आपको आंसर वेक्टर फॉर्म में ही देना है तो आपको फर्दर फिर उसको बी कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर बी के अलोंग फाइंड करना है, और अगर अगर अलोंग ए फाइंड कर रहे हैं तो आपको ए कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में आपसे किस तरह से पूछ रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जहां पे क्लियर हो जाएगा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, यहां तक नोट कीजिए, कोई डाउट हो पूछिए, और फिर एक क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट नहीं है बेटा इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर, और आपको a वेक्टर आपको दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप, और आपको b वेक्टर दिया हुआ है 5j कैप माइनस 12k कैप। तो ट्राई कीजिए इसको, तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं खुद कर देता हूं इसको, बहुत ही सिंपल है। हम डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, यूज द फॉर्मूला। तो मुझे किसका कंपोनेंट करना है, मुझे a का कंपोनेंट करना है b के अलोंग। तो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला हमारे पास है, a डॉट b डिवाइड बाय, जिसके अलोंग निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय b। जब मैं a डॉट b करूंगा, देखिए a डॉट b करने के लिए बोल रहा हूं, यहां पे हमारे पास 1 i कैप है लेकिन यहां पे 0 k कैप है, और यहां की हम बात करें तो यहां पे हमारे पास 0 i कैप है। तो जब मैं a डॉट b करूंगा तो i का i के साथ करूंगा प्रोडक्ट, जब मैं i का i के साथ प्रोडक्ट करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिल जाएगा 1 into 0 प्लस माइनस 2, यहां पे माइनस 2 j कैप है और यहां पे प्लस का 5 है तो into 5, और प्लस यहां पे 0 k कैप है तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से हमारे पास आ रहा है इट इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय 13। तो अभी आपने केवल कंपोनेंट निकाला, ध्यान रखना, अगर आपको यही आंसर वेक्टर फॉर्म में देना होता तो इन वेक्टर फॉर्म ये आंसर क्या हो जाता हमारे पास, इन वेक्टर फॉर्म दिस आंसर वुड बी इक्वल टू माइनस 10 बाय 13, ये तो क्या कंपोनेंट, मल्टीप्लाइड बाय जिसके अलोंग निकालते हैं उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इनटू बी कैप। तो माइनस 10 बाय 13, और बी कैप कैसे निकालेंगे, इट इज बी वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया था कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस 10 बाय 13, और बी वेक्टर हमारे पास दे रखा था इट इज बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है 5j कैप माइनस 12k कैप, यहां लिखूंगा 5j कैप माइनस 12k कैप और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड जो कि कितना हमारे पास है 13। यहां से हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है आप देख सकते हैं, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस 50j कैप प्लस का 120 k कैप। कुछ नहीं किया, इस माइनस 10 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर विच इज 169। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको यहां तक भी करना पड़ सकता है या आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ सकता है। तो डिपेंड करेगा कि अगर क्वेश्चन में जैसे जेई का क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शन दिए होंगे तो वहां तो आपको पता चल ही जाएगा, और अदरवाइज अगर आपके बोर्ड के क्वेश्चन तो आपको यहां तक कर देना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर करो दो, लिखा नहीं।
तो क्या आपको ये समझ में आ गया कंपोनेंट कैसे करना है? हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए जो बाकी क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के। डॉट प्रोडक्ट आप लोग पूरा कर लीजिएगा, अगली क्लास में डॉट प्रोडक्ट करूंगा, और कल हमारी सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी 145 पे। कल हम वेक्टर खत्म करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मंडे से हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। यस सर। जिनका नोट हो गया हो दे मी लीव द क्लास। सुरांश आपका जब हो जाए तो आप बता देना। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। ओके, ठीक है। और कोई डाउट आपका? नहीं सर। ठीक है।